रेलवे की महिला कर्मचारियों को जिंदा जलाने का प्रयास करने के मामले में जरी पटका पुलिस ने करीब 4 माह बाद सोमवार को आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। उषा ताइडे रेल कर्मचारी हैं। वह भीमसेना नगर झोपड़पट्टी में शेरा बाबू मेशराम नामक व्यक्ति के घर में रहती हैं। 18 जून 2021 की शाम उषा जब ड्यूटी से घर लौटी, उस समय शेरा बाबू उसकी मां माया और पत्नी रश्मि की बातें चल रही थी कि गाड़ी की किश्त भरने के लिए उषा से 30,000 रुपए लिए जाएं। उन्होंने उषा से जब 30,000 रुपए मांगे तो उसने यह कहकर रुपए देने से मना कर दिया कि पहले जो रुपए दिए हैं वह अभी तक वापस नहीं किए हैं। उषा जब कपड़े बदल कर रसोई घर में गई तो वहाँ शेरा बाबू, उसकी माँ और पत्नी मौजूद थे। उषा कुछ समझ पाती इसके पहले ही रश्मि ने उषा पर कैरोसिन उड़ेल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। शेरा बाबू ने तत्काल किसी तरह आग बुझाई और उषा को निजी अस्पताल ले गया। उपचार के दौरान अस्पताल प्रशासन से घटना की सूचना जरीपटका पुलिस को दी थी। अस्पताल में उषा बात करने की स्थिति में नहीं थी, उसने बयान देने और शिकायत करने से मना किया। घटना के करीब 4 माह बाद सोमवार को उषा अपने बेटे के साथ थाने पहुंची और प्रकरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रश्मि के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। जरीपटका पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 646/21 भादवी कलम 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला। याच्यातली तक्रारदार जी आहे उषा प्रकाश तायडे, तिला 18/6/2021 रोजी ती ज्या घरात किरायाने राहत होती तिथल्या घरमालकाच्या पत्नीने अंगावर रॉकेल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याबाबत ही तक्रारदार हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट असल्याने आणि जॉब देण्याच्या परिस्थितीत नसल्याने तिने आत्ता येऊन काल रोजी आमच्याकडे गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये आरोपी रश्मी शेषराव शेराबाबू मेश्राम ही अटक केलेली आहे आणि गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।